हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू एजुकेर करंट अफेयर सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। आज है 4 मई 2020 और 4 मई 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मैंने टोटल 17 न्यूज रखी है, सभी को हम स्टैटिस्टिक्स फैक्ट के साथ इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में इनसे रिलेटेड जो करंट न्यूज रही है पिछले कुछ दिनों में उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मई एवरी ईयर। द थीम ऑफ द डे इज जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और इस दिन का क्या विषय था 2020 के लिए? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अच्छा, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों मनाया जाता है और कौन मनाता है? तो इसे मनाता है यूएन, यूनाइटेड नेशन। और जो भी अपनी प्रेस होती है यानी जो भी एक जर्नलिस्ट होती है उसको जागरूक करने के लिए, लोगों को इसके बारे में जागरूकता बताने के लिए और हर देश को ये याद दिलाने के लिए हर 3 मई को कि जो प्रेस होती है उसको फ्रीडम दी जाए और उनकी रेस्पेक्ट करी जाए। यानी कई देशों में प्रेस को फ्रीडम नहीं है, यानी वो हर न्यूज नहीं छाप सकती। तो इस बारे में उस सरकार को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसे याद दिलाने के लिए हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। और कौन मनाता है? यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है। अच्छा, अब जो डेज की बात आई है तो तीन, जो एक मई को, 2 मई को और इस 3 मई को जो डेज है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को आया था इंटरनेशनल लेबर डे। कौन सा आया था? इंटरनेशनल लेबर डे, उसे मई डे भी कहते हैं। और 2 अप्रैल को आया था वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना एक मछली थी तो उसका दिन मनाने के लिए ये यूएन उसे मनाता है। कब आया? 2 मई को। अच्छा, 1 मई को 2 डे और थे, महाराष्ट्र फाउंडेशन डे और गुजरात फाउंडेशन डे, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे तो उस दिन 1 मई को 1960 को, तो इस दिन के लिए इसे फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसलिए हर साल हम 24 अक्टूबर को यूएन नेशन डे भी मनाते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा यूएन से रिलेटेड? तो यूएन के भी COP26 जो मीटिंग होनी थी उसे कैंसिल यानी पोस्टपोन कर दिया गया है। और वो कहां पे होनी थी? वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में वो होनी थी और इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अच्छा, हमारे लिए इस COP26 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि इसे हेड कौन करेगा? COP26 को हेड करेंगे आलोक शर्मा, जो कि इंडिया के ही हैं। आलोक शर्मा वो इसे हेड करेंगे, इतना हमारे न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। और अच्छा, कल ही ये यूएन न्यूज में था, कल परसों न्यूज में था कि यूएन में अपने इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर के रूप में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। तो TS त्रिमूर्ति को यूएन में परमानेंट मेंबर यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, इतना मरलिस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है गुजरात गवर्नमेंट लॉन्चेज यूनिक इनिशिएटिव अंबारे आंगनवाड़ी टू हेल्प चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो गुजरात सरकार ने तालाबंदी के दौरान बच्चों की मदद करने के लिए अनूठी पहल अंबारे आंगनवाड़ी की शुरुआत की। तो क्या चीज है अंबारे आंगनवाड़ी? अच्छा, ये अंबारे आंगनवाड़ी, ये अंबारे गुजराती भाषा में, हिंदी में इसका मतलब होता है घर की आंगनवाड़ी और अंग्रेजी में बात करें तो इसका मतलब होता है डोर स्टेप आंगनवाड़ी। तो इसका मतलब ये है इस अंबारे आंगनवाड़ी का कि लॉकडाउन के अंदर बच्चों की सेहत और बच्चों को क्या खाना चाहिए उनसे, उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड गाइडलाइन देने के लिए पेरेंट्स को अंबारे आंगनवाड़ी लॉन्च की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। तो इसमें आंगनवाड़ी की जो भी कार्यकर्ता है वो घर घर जाके उनको गाइड करेगी, बच्चों का हेल्थ को उनका जायजा लेगी, क्या हेल्थ चल रही क्या नहीं, तो उसके हिसाब से उन्हें गाइड करके आएगी। तो ये है, और साथ में इन्हें टेलीविजन यानी टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी ये अलग अलग तरीके से वीडियोस अपलोड करेंगे जागरूकता बढ़ाने के लिए उन पेरेंट्स की तरफ। तो ये है अंबारे आंगनवाड़ी, इसे किसने लॉन्च किया? गुजरात ने लॉन्च किया है। तो हमारे लिए एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अंबारे आंगनवाड़ी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की, तो हमारा आंसर होना चाहिए गुजरात राज्य सरकार ने, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बात गुजरात की हो रही है तो ये रब मैप में गुजरात, गुजरात की बॉर्डर स्टेट की बात करें तो राजस्थान आ गया, इधर मध्य प्रदेश आ गया और इधर ये महाराष्ट्र आ गया। मैंने भी आपको बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक थे लेकिन 1960 के बाद, 1960 के बाद, 1 मई 1960 के बाद ये अलग अलग हो गए, यानी इनका डिवाइडेशन हो गया, इससे पहले ये एक थे। अच्छा, गुजरात की और बात करें तो कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय
रूपाणी और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर राज्यपाल है। और बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट स्कीम्स के बारे में, तो वाहली डिग्री योजना ये गुजरात की इंपोर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम भी गुजरात की है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। और अभी हाल ही में न्यूज में था सुजलम सफलम जल संचय योजना, सुफलम सजलम जल संचय योजना, तो ये भी हमें याद रखनी, इतना हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। और यहाँ का एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि अहमदाबाद में मनाया जाता है, नाम है काइट फेस्टिवल, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप अगर इसे आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते हुए चलिए। चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी SOP ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो कर्नाटक प्रवासी श्रमिकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी AOP ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया। दरअसल जो श्रमिक है यानी जो लेबर है यानी जो प्रवासी श्रमिक है यानी जो दूर दूसरे किसी राज्य में जाके काम करते हैं, तो कर्नाटक सरकार ने उन लोगों के लिए जो कर्नाटक में है वो अगर किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं और जो दूसरे स्टेट में है वो कर्नाटक में आना चाहते हैं, तो इस द स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पे जाइए। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो उस पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपने जो भी जहां भी आना है जाना है वो इस डिटेल में इसमें मेंशन किए, आपको सुविधा प्रदान की जाएगी आने जाने में कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो ये है द स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी SOP। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि कर्नाटक सरकार ने द स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर शुरू किया है यानी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया और ये पहला स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, बात कर्नाटक की हो रही है तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कर्नाटक के बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं, इधर गोवा आ गया, इधर महाराष्ट्र आ गया, तेलंगाना आ गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ गया, ये तमिलनाडु आ गया और इधर केरल आ गया, तो इतने स्टेट इसको बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा, बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और एडापाडी के पलानीसामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है विजय भाई वाला, इतना हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। और बात करें इसके इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, तो जनसेवक और अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी एक ऑनलाइन शतरंज ताकि कोरोना वायरस के कारण जो अमाउंट कलेक्ट करने के लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए इन्होंने एक ऑनलाइन शतरंज एक गेम जारी किया था जिससे पैसा कलेक्ट किया था इन्होंने। और इन्होंने एक गेट सेट गो नाम से भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था टीचिंग का, पढ़ाने का और पढ़ने का, गेट सेट गो नाम इंपॉर्टेंट है, गेट सेट गो। और बात करें कोरोना वॉच, तो कोरोना वॉच भी कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की थी और एक एप्टा मित्र और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था किस कुछ भी कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और क्या जारी किया था इन्होंने, और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट जारी नहीं किया, इन्होंने एक नमस्ते और हैंडशेक भी इन्होंने लॉन्च किया था, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और बात करें इसके एक अभी हाल में एक न्यूज में थे जे अर्जुन कुमार जो कहां से थे, कर्नाटक से थे और उनको US की मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए, तो ये उनका नाम भी इंपॉर्टेंट बनता है, जे अर्जुन कुमार जो कहां से थे, कर्नाटक से थे, तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है रिन्यूएबल एनर्जी रैंकिंग फाइनेंशियल ईयर 2020। तो अभी एक रैंकिंग आई है रिन्यूएबल एनर्जी रैंकिंग, तो इसको डिटेल में जानते हैं। तो इंस्टॉलेशन यानी रिन्यूएबल एनर्जी आप मतलब समझ गए, ऐसी एनर्जी जो मतलब कोई कुछ खर्चा नहीं करती यानी सौर ऊर्जा हुई या फिर पवन ऊर्जा हुई, तो ये होती है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इनकी एक रैंकिंग आई उसमें इंस्टॉलेशन के मामले में तो कर्नाटक टॉप पे आए यानी इनको स्थापित करने के मामले में कर्नाटक टॉप है, और कैपेसिटी प्रोडक्शन में यानी सबसे ज़्यादा वोल्ट जो लाइट जो होती है जो उत्पादन करने में राजस्थान टॉप है। कारण क्या है, कारण ये है कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से कैपेसिटी यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है। और जो वाइंड एनर्जी है यानी पवन से किया है उसके बिजली उत्पादन में गुजरात टॉप पर है। तो ये तीनों रैंकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, ये कर्नाटक राजस्थान और गुजरात। अच्छा, हिंदी में बात करें तो कुल स्थापना के माध्यम में कर्नाटक टॉप पर है, क्षमता के उत्पादन के अंदर राजस्थान टॉप पर है और पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात टॉप पर है। अच्छा, कर्नाटक की मैंने बात कर ली, राजस्थान की बात कर ली, सॉरी गुजरात की बात कर ली, अब राजस्थान की बात करते हैं। तो ये रहा मैप में राजस्थान। बॉर्डर स्टेट की बात करें तो पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, इधर उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया। बॉर्डर कंट्री की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो बॉर्डर जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है, रेड क्लिफ। और जो पाकिस्तान और चाइना और इंडिया को जो शेयर करती है बॉर्डर उसका क्या नाम है, उसका नाम है मैक मोहन। तो ये बॉर्डर का नाम भी हमें पता होना चाहिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। जयपुर के अभी परकोटे को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया था, यह भी हमें पता होना चाहिए।
राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे एक बिसलपुर बांध है जो कि बनास नदी पर बसा हुआ, वो भी काफी इंपोर्टेंट बनता है। यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें तो रणथंबोर डेजर्ट सीरीज का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपोर्टेंट बनती है, उसका नाम है केवला देव, तो ये भी हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। करंट न्यूज की बात करें तो करंट में था अभी एक राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया था राजस्थान सरकार ने, और एक स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था एजुकेशन के लिए, और साथ में रैपिड टेस्टिंग के मामले में पहला राज्य था राजस्थान, और आयु एंड सेहत साथी एप्लीकेशन, आयु और सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भी राजस्थान ही है। इतना हमारे लिए न्यूज में इंपोर्टेंट बनता है। चलते हैं अब अगली इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपोर्टेंट न्यूज है इंडियन रेलवे लॉन्च्ड ए स्पेशल ट्रेन नेम्ड श्रमिक स्पेशल। तो भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है। तो ये श्रमिक स्पेशल क्या चीज है? तो लोग जो फंसे हुए हैं अदर स्टेट्स में, तो उनको अपने घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल नाम से एक ट्रेन चालू की है। हमारे लिए एग्जाम में इतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा अगर कभी पूछ लिया जाए, ज्यादा खास इंपॉर्टेंट तो बनता नहीं, लेकिन अपन से एक आंखों की तरफ से गुजर जाना चाहिए कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन किसने लॉन्च की। तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च की थी ताकि लोगों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए, जो भी प्रवासी श्रमिक है उनको। अच्छा, बात रेलवे की करें तो रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853। मैंने कई बार बताया आपको 1853 को रेलवे की स्थापना हुई थी, और 1854 को इंडियन पोस्टल यानी डाक सेवा की स्थापना हुई थी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। अच्छा, इंडिया में यानी पूरे वर्ल्ड में ट्रेन की स्थापना कब हुई थी? 1804 में, तो ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, और बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके यानी रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और रेलवे के चेयरमैन कौन है ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इनको रीअपॉइंट किया गया अभी हाल ही में, नाम है उनका विनोद कुमार यादव, तो ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो इंक्वायरी नंबर है रेलवे के, एग्जाम में पूछने के चांसेस बन जाते हैं कई बार, 139, ये भी पता होना चाहिए, 139 जो कस्टमर सर्विस नंबर है रेलवे के, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इंडियन रेलवे की करंट न्यूज की बात करें तो इंडियन रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पे खोला है? वो खोला है भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में से खोला है, और एक रोबोट लॉन्च किया था आस्क दिशा के नाम से, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था, ये नाम भी हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है आस्क दिशा। और इंडियन रेलवे यानी रेलवे की बात करें तो पहली प्राइवेट जो कॉरपोरेट ट्रेन थी वो कहां से कहां चलाएगी? पहली लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ टू दिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। और बात करें इसके इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे ने अभी एक जीवन नाम का सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया था, और एक चरक नामक मोबाइल बूथ भी इन्होंने लॉन्च किया था कोरोना वायरस के चलते, चरक नामक मोबाइल बूथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। और बात करें इसके इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में जो इंडियन रेलवे का जो नॉर्थ जोन है उसमें अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने एक टनल लॉन्च किया था जिसका नाम था वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल, यानी सैनिटाइज करने वाला पहला टनल किसने तैयार किया था? इंडियन रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च भारत मार्केट ए नेशनल ई कॉमर्स मार्केट पैलेस। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट पैलेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की। हालांकि इन्होंने कई सिटीज में लॉन्च कर दिया है, लेकिन पूरे भारत में से लॉन्च करने की अब घोषणा की है इन्होंने। दरअसल ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक प्राइवेट संस्था है, तो ये क्या कर रही है कि जो अभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये जो चीजें आती है ना, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के, तो उसी तरह का भारत मार्केट डॉट इन इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस इतना पता रखना है कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने भारत मार्केट डॉट इन नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि ई कॉमर्स का काम करेगा। इसमें जितने भी ग्रोसरीज है, जितने भी जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको इसमें जोड़ा जाएगा, और होम डिलीवरी वाला काम किया जाएगा, वही जो अमेजोन करता आ रहा है वैसे ये करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा खास बनता नहीं, हमें पता रहना चाहिए भारत मार्केट किसने CAIT ने इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज, द RBI ऑन फ्राइडे कैंसल द लाइसेंस ऑफ मुंबई बेस्ड CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ड्यू टू इट्स फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। तो RBI ने शुक्रवार को अपनी वित्तीय अस्थिरता के कारण मुंबई स्थित CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। रद्द करने का कारण यह है कि ये क्या है कि कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए इसके पास इनफ पेमेंट नहीं है, ना तो अभी प्रेजेंट में जो कस्टमर्स इसके हैं उनको पेमेंट करने के लिए इसके पास इनफ है, ना इससे फ्यूचर में कोई उम्मीद लगाई जा रही है। इसके चलते RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CKP कोऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और इनको आदेश दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी लिक्विडेटर को बैठाएं और अपने इसके बंद होने का जो भी जो तामझाम है उसको कंप्लीट करवाएं। तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। अच्छा, आरबीआई ने कुछ दिनों पहले अभी गोवा के कोऑपरेटिव बैंक को भी इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया गया, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था और अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, सीडी देशमुख। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है आरबीआई के, हाल ही में रिसेंटली अपॉइंट हुए थे जनक राज, तो ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनमें से एक ने भी हाल ही में रिजाइन कर दिया। जो रिजाइन किया उनका नाम है माइकल डी पात्रा, इन्होंने हाल में रिजाइन कर दिया था। और तीन बाकी के जो है उनके नाम बताता हूँ जो प्रेजेंट में है, तीन पोस्ट पे ही है, एक पोस्ट खाली चल रही है, एनएस विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो और थर्ड नंबर के एमके जैन। बीपी कानूनगो का हाल ही में जो टाइम ड्यूरेशन था उनका जो काम करने का वो एक्सटेंड कर दिया गया, ये रिटायर्ड होने वाले थे लेकिन इनका टाइम बढ़ा दिया गया बीपी कानूनगो का। और बात करें आरबीआई की करंट न्यूज की, तो आरबीआई ने अभी हाल ही में एक ऑन टैपिंग लाइसेंस लॉन्च किया था। ऑन टैपिंग लाइसेंस उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए किसी भी संस्था को जो खोलना चाहती है उसको 200 करोड़ की कैपिटल आवश्यक है। यह है ऑन टैपिंग लाइसेंसिंग, 200 करोड़ की स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए। और एक मनी नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, कई बार इसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है मनी एप्लीकेशन, यानी MANI की फुल फॉर्म क्या बनती है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए लॉन्च की गई थी। अभी 2-4 दिन पहले न्यूज में था आरबीआई उन्होंने ओवरड्राफ्ट कस्टमर, जिनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जिन कस्टमर्स को, उन कस्टमर्स के लिए ई कार्ड लॉन्च करने के लिए भी बैंक्स को बोल दिया गया है कि आप उनके लिए ई कार्ड लॉन्च कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द सेंटर ब्रॉड कावेरी गोदावरी कृष्णा रिवर वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत ला दिया गया है कावेरी गोदावरी और कृष्णा रिवर को। तो केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत कावेरी गोदावरी और कृष्णा नदी के जल प्रबंधन के प्राधिकरण को लाया गया। दरअसल अब क्या होगा कि जो भी पहले डिसीजन कौन लेता था कावेरी गोदावरी कृष्णा रिवर के, जो कि वहां की एक मैनेजमेंट अथॉरिटी थी हर एक नदी की, वो लिया करती थी। लेकिन अब इसके डिसीजन कौन लेगी, जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब जो भी काम होगा, जो भी डिसीजन इससे रिलेटेड होंगे, वो जल शक्ति मंत्रालय से लेगा, यानी अभी सेंटर के अंडर आ गई है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि कावेरी गोदावरी और कृष्णा को हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया गया है। बाकी और इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा कावेरी गोदावरी और कृष्णा रिवर के बारे में। तो कावेरी की बात करें तो कावेरी कर्नाटक से बहना स्टार्ट होती है और तमिलनाडु में बहते हुए महासागर में मिल जाती है। अभी 2018 में दोनों में डिस्प्यूट भी चल रहा था, दोनों नदियों में, यानी दोनों स्टेट्स में, इस नदी के बारे में, कावेरी नदी के बारे में, तो इनको रिजोल्व किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम न्यूज में, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी महाराष्ट्र से बहना स्टार्ट होती है और ओडिशा से मिलती हुई नीचे महासागर में मिल जाती है, महाराष्ट्र से ओडिशा से, बीच में और भी स्टेट्स में जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश उनमें भी ये मिलती हुई जाती है, लेकिन फिर वो ओडिशा में उतर जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से तो स्टार्ट होती है और फिर वो आंध्र प्रदेश से होती हुई महासागर में उतर जाती है, तो इनका ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। अच्छा, गोदावरी जो नदी है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहले गंगा आ गई, फिर गोदावरी आ गई, फिर तीसरे नंबर पर आती है ब्रह्मपुत्र, फिर फोर्थ नंबर पर आती है कृष्णा रिवर, तो इनका क्रम हमें पता होना चाहिए। मैं वापस आपको बोलता हूँ, फर्स्ट नंबर पर आती है गंगा, सेकेंड नंबर पर आती है ये अपने गोदावरी, फिर थर्ड नंबर पर आती है ब्रह्मपुत्र और फोर्थ नंबर पर आती है कृष्णा रिवर, तो इन चारों का हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है, यस बैंक अपॉइंटेड नीरज धवन एज इट्स चीफ रिस्क ऑफिसर CRO फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो यस बैंक ने नीरज धवन को 3 साल की अवधि के लिए अपना मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे लिए इसमें सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये जो नीरज धवन आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनको यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अभी यस बैंक दिवालिया हो गया था, लेकिन दिवालिया होने के लिए बचाने के लिए 49% का स्टेक SBI ने इसका खरीद लिया है, फिर इसे बचा लिया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए इस न्यूज के अंदर, तो हमारे लिए इस न्यूज में बनेगा यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। इसके चेयरमैन की बात करें यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो प्रशांत कुमार इसके
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और इसके फाउंडर तो आपको पता ही है, राणा कपूर। तो इतना मार्लिस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है IAS ऑफिसर अजय त्रिकी अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। IAS अधिकारी अजय त्रिकी और इन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अभी कल हमने पढ़े थे कि तीन अपॉइंटमेंट हुए थे कल एक साथ, जो तीन मिनिस्ट्री में सचिव के रूप में अपॉइंटमेंट हुए थे, और आज फोर्थ यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अपॉइंट हुए हैं अजय त्रिकी एक सेक्रेटरी के रूप में। अच्छा, हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को मिनिस्टर कौन है? तो हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति जुबे ईरानी। उनके पास एक और मंत्रालय, एक और मिनिस्ट्री है, उसका नाम है कपड़ा मंत्रालय, यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी वही देखती है। अच्छा, और बात करते हैं, बात करें अजय त्रिकी की, तो यह है फोटो में अजय त्रिकी और इन्हीं को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। कल जो अपॉइंटमेंट हुए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तरुण बजाज, उनको अपॉइंट किया गया था इकोनॉमिक सेक्रेटरी के रूप में, जो कि अतनु चक्रवर्ती की जगह लिए हैं इन्होंने। और अरविंद कुमार शर्मा इनको अपॉइंट किया गया था MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी के रूप में। और गिरधारी अरमाने इनको अपॉइंट किया गया था रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी के रूप में, यानी इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के रूप में। तो इतना उनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्या क्या नाम था? तरुण बजाज इकोनॉमिक सेक्रेटरी के रूप में, अरविंद कुमार शर्मा MSME के सेक्रेटरी के रूप में, गिरधारी अरमाने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर के रूप में, यानी सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, और ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी के रूप में अजय त्रिकी अपॉइंट हो गए हैं। इतना हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक विल एलोकेट अप टू $15 बिलियन फॉर लोन्स टू हेल्प ब्रिक्स नेशंस टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक अमिड कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो NDB ब्रिक्स राष्ट्रों को कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मदद के रूप में $15 बिलियन आवंटित करेगा। तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है और जो आप फोटो में देख रहे हैं ये है KV कामत, तो ये NDB के हेड है, और इन्होंने $15 मिलियन लोन आवंटित किए ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। तो ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट इतना ही बनेगा कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स कंट्रीज के लिए $15 बिलियन का लोन आवंटित किया है। और इंपॉर्टेंट बनेगा ब्रिक्स कंट्री के बारे में, तो ब्रिक्स कंट्रीज मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह बनता है कि 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, यानी ब्रिक की स्थापना BRICS की स्थापना तो 2009 में हुई थी, लेकिन BRICS की स्थापना 2010 में हुई थी, यानी 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया था। उससे पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना ही इसके पार्टनर थे, अब साउथ अफ्रीका 2010 में हो गया था। अच्छा, हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? तो हमारे लिए जो मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वेटरन बैट्समैन रॉस टेलर हैज वॉन द सर रिचर्ड हैंडली मेडल एज न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर। तो अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर रिचर्ड्स हैंडली पदक जीता है। तो ये है रॉस टेलर और इन्हीं को सर रिचर्ड्स हैंडले मेडल अवार्ड दिया गया, यानी पुरस्कार दिया गया। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो टेस्ट, T20 और ODI तीनों में 100-100 मैच यानी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले एकमात्र प्लेयर है, और इन्हीं को सर रिचर्ड्स हैंडले मेडल दिया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा इस न्यूज में, तो कि रॉस टेलर को सर रिचर्ड्स हैंडले मेडल दिया गया। अच्छा, कल हमने रैंकिंग्स पढ़ी थी। रैंकिंग्स क्या थी कि ODI में तो न्यूजीलैंड ने टॉप किया था, ये जो अभी न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो ODI में न्यूजीलैंड ने टॉप किया था, और टेस्ट में और T20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था, और इसमें इंडिया थर्ड नंबर पे था लेकिन ODI में सेकंड नंबर पे था। तो ये रैंकिंग भी हमें याद रखनी जो मैंने कल बताई थी। और बात करें न्यूजीलैंड की, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड, जो नीचे आपको दिख रहा है रेड बाउंड्री वाला, तो ये तो है न्यूजीलैंड और इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, और US यानी न्यूजीलैंड डॉलर, US नहीं, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। और बात करें न्यूजीलैंड की, तो अभी न्यूजीलैंड न्यूज में था क्योंकि न्यूजीलैंड के डेनियल फिलिप, जो कि रिटायरमेंट की घोषणा कर दी इन्होंने, तो ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, डेनियल फिलिप जो कि रिटायर्ड होने वाले हैं। और ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2021 वाला कहाँ पे होगा?
यहीं पे न्यूजीलैंड में होगा। आईसीसी का वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 वाला भी ये न्यूजीलैंड में होगा। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद डेवलप्स पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट नेम्ड इकोसेंस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद ने इकोसेंस नाम से एक पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट विकसित किया है। तो ये है इकोसेंस, जिसने किसने डेवलप किया है, हैदराबाद ने। अच्छा क्या काम करता है ये? तो ये इस प्रकार का कोई किट है, तो ये क्या करेगा, व्यक्ति की लार यानी व्यक्ति की लार से कोरोना वायरस के सिम्टम्स का पता लगाएगा, जो कि मात्र 30 सेकंड में इसका पता लगा लेगा, मात्र 30 सेकंड में। और इसे डेवलप किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद ने इसे डेवलप किया है। हमारे लिस्ट में इसका नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, इकोसेंस किसने डेवलप किया, तो NIAB हैदराबाद ने इसने डेवलप किया है। और इंपॉर्टेंट बनेगा तो हैदराबाद की बात कर ले, तो हैदराबाद मोसी नदी के किनारे बसा हुआ है और हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट्स की राजधानी यानी कैपिटल है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और तमिल सई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। और बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में एक इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यहीं पे है हैदराबाद में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में है। इतना मार्लिस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा इरडा के चेयरपर्सन कौन है, ये भी हाल ही में कुछ दिनों, हालांकि थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, इंपॉर्टेंट बनते हैं, सुभाष चंद्र खुंटिया इरडा के चेयरपर्सन है। इतना मार्लिस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है डिस्कस थ्रोवर यानी चक्का फेंक। एथलीट संदीप कुमारी हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर बाय द एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट वाड़ा। तो डिस्कस थ्रोवर यानी चक्का फेंक जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये है चक्का फेंक। तो एथलीट संदीप कुमारी को वाड़ा ने एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट्स ने 4 साल के लिए बैन लगा दिया है। तो दरअसल इनका एक टेस्ट किया गया था, डोपिंग टेस्ट। तो डोपिंग टेस्ट के अंदर ये पॉजिटिव पाई गई। तो आपको पता है जो भी पॉजिटिव पाया जा रहा है उसको खतरे की निशानी चल रही है अभी, तो ये भी खतरे की निशानी की तरफ चली गई, यानी इसे अब 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। अभी 4 साल के लिए गेम्स नहीं खेल सकती एथलीट के यानी डिस्कस थ्रोवर। तो इसे बैन किसने लगाया इन पे, वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इनके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में वाडा का हेडक्वार्टर है। और बात करें, वाडा ने भी हाल ही में बैन लगाया था टोक्यो ओलंपिक में, 2 कंट्रीज नहीं खेल सकती। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, मलेशिया और थाईलैंड इंपॉर्टेंट बनेगी ये, मलेशिया और थाईलैंड जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला 2021 में होगा, उस पे बैन लगा दिया गया है, मलेशिया और थाईलैंड पर, यानी मलेशिया और थाईलैंड पर बैन लगा दिया, ये गेम्स नहीं खेल सकती। अच्छा और टोक्यो ओलंपिक की बात है तो टोक्यो में आयोजित होगा और 2021 में होगा, आपको पता ही है। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, और कुछ खास इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि संदीप कुमारी इन पे बैन लगा दिया गया। अच्छा बैन की बात आ रही, तो अभी जो जिन खिलाड़ी पे बैन लगाए और उनका रिवाइज कर लेते हैं। तो उमर अकमल जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर, उन पे बैन लगा दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और अभी जुमा खातून को इंडिया की जो डोपिंग एजेंसी, उसने बैन लगा दिया था, जो कि जुमा खातून है वो मिडिल डिस्टेंस रनर है, उन पे बैन लगा दिया है। और अभी कल परसों आईसीसी ने बैन लगाया है दीपक अग्रवाल पर, जो कि बिजनेसमैन है, जो कि अबू धाबी के बिजनेसमैन है, उन पर बैन लगा दिया दीपक अग्रवाल पर। इतना हमें पता होना चाहिए इस न्यूज की तरफ से। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है उमा बाला सुब्रमण्यम्स लेटेस्ट हिस्टोरिक एपिक बायोग्राफी टाइटल्ड सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा लॉन्च्ड। तो उमा बाला सुब्रमण्यम की नवीनतम ऐतिहासिक महाकाव्य जीवनी का शीर्षक सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड महाराजा ऑफ बड़ौदा लॉन्च की गई। दरअसल जो उमा बाला सुब्रमण्यम है, ये जो भी राजा महाराजा है उनकी बायोग्राफी यानी उनके जीवनी के बारे में लिखते रहते हैं। तो इन्होंने हाल में एक बुक जारी की जिसका नाम है सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो इस नाम से इन्होंने बुक जारी की है। अच्छा ये कौन है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़? तो इन्होंने बड़ौदा एम्पायर पर यानी बड़ौदा जो आज गुजरात के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर उन्होंने राज किया था 1875 से 1939 तक, 1949 तक इन्होंने राज किया था बड़ौदा के ऊपर, और आज इसे गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो हमारे लिस्ट में इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा, ये बुक किसने लिखी, तो उमा बाला सुब्रमण्यम ने इसे लिखा है। इतना हमारे लिस्ट न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, लोकपाल मेंबर जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी डाइड ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन।
तो कोविड-19 के संक्रमण के कारण लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया। तो यह है अजय कुमार त्रिपाठी और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया, जो कि लोकपाल के मेंबर रह चुके हैं और ये अभी रिटायर्ड जस्टिस थे। तो ये लोकपाल मेंबर क्या होते हैं दरअसल, मैं आपको बताऊं तो लोकपाल मेंबर एक सिंपल भाषा में बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर हुए या कोई भी मिनिस्टर हुआ या कोई भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ या कोई भी जो यूनियन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो आने वाले ए बी सी डी ग्रुप में जो भी लोग आते हैं सेक्रेटरी वगैरह, वो लोग अगर कोई करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं, करप्शन करते हुए पाए जाते हैं, करप्शन के मामले में पाए जाते हैं, तो उनकी सुनवाई कौन करता है? लोकपाल मेंबर। काफी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी सेक्रेटरी ग्रुप जो भी एबीसीडी जो आता है यूनियन कैबिनेट में, वो अगर किसी करप्शन में पाए जाते हैं तो उनकी सुनवाई लोकपाल करता है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो उसके जो मेंबर रह चुके जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, उन्हीं का हाल ही में निधन हो गया, यह हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वेटरन साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थिड एक्टिविस्ट डेनिस गोल्डबर्ग पास्ड अवे। ही वॉज एली ऑफ लेट साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेशनल मंडेला। ही वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो दिग्गज दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का हाल ही में निधन हो गया। वह दिवंगत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। तो ये है डेनिस गोल्डबर्ग और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। दरअसल इन्होंने साउथ अफ्रीका के रंग भेद के मामले में इन्होंने एक समाज सेवी के रूप में काम किया और ये जो भी रंग भेद जो नीति थी उसके काफी विरोध थे और ये नेल्सन मंडेला के काफी सहयोगी थे। उनके साथ इन्होंने मिलकर काम किया। ये कई साल तक, लगभग 22 साल तक ये जेल में रहे और लड़ते रहे अपने रंगभेद के मामले के लिए, यानी रंगभेद विरोधी के काम पे लड़ते रहे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। हमारे लिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि डेनिस गोल्डबर्ग, इनका हाल ही में निधन हो गया और वे साउथ अफ्रीका से थे। इनका कंट्री इंपॉर्टेंट बनता है और इनका फील्ड इंपॉर्टेंट बनता है, एंटी अपार्थिड यानी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे ये डेनिस गोल्डबर्ग। इतना हमारे इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह था आज का कंप्लीट ओवरऑल सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन रोजाना लेकर आता रहता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।